नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मारवाड़ी मीडिया। आप देख रहे हैं खींवसर के विधायक नारायण बेनीवाल का बयान। फिल्म पानीपत पर सामने आया है और खींवसर विधायक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है फिल्म बैन को लेकर। तो देखिए क्या कहा। पिछले एक सप्ताह से पानीपत फिल्म रिलीज को लेकर और पूरा देश और विशेषकर नौजवान जिस तरह से उज्ज्वलित है, निश्चित रूप से अब सरकारों को और सेंसर बोर्ड में बैठे लोगों को ये सोचने का बहुत बड़ा समय है कि हम देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। पानीपत में जिस तरह उच्च चरित्र के व्यक्तित्व, वे सच्चे जनसेवक और हिंदू सम्राट जिनकी एक बहुत बड़ी कल्पना मुगलों से लड़ते हुए, मराठाओं के साथ मिलकर और मुगलों से लड़ाई लड़ते हुए हिंदू राष्ट्र की एक बहुत बड़ी जिनकी एक इच्छा थी, ऐसे महान योद्धा के चरित्र को लेके जिस तरह से इन्होंने छींटा कसी की, मैं घोर निंदा करता हूँ। पानीपत फिल्म के अंदर जो दृश्य इन लोगों ने जो फिल्माए, मैं सेंसर बोर्ड, माननीय प्रधानमंत्री जी और प्रसारण मंत्री जावड़ेकर जी से भी मैं निवेदन करूँगा कि हमें तय करना है हम देश को किस दिशा में ले जाए। पानीपत के अंदर इतिहास को डिस्ट्रोट करके भारत की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जड़ों पर हमला करना और हमारे विरुद्ध ये ग्रैंड ग्लोबल कॉन्स्पायरेसी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, इसमें हमें बहुत बड़ी सोचने की जरूरत है। आजकल अक्सर जो भी फिल्में आ रही है, ये फिल्म के निर्माता निर्देशकों का ये शायद सोचे समझिए साजिश भी हो सकती है कि कैसे एक फिल्म रिलीज से पहले ही उनका टीआरपी बढ़े, लोगों के बीच चर्चा का विषय बने। इन सब चीजों को लेके पिछले दिनों भी ऐसी, इसको मैं बहुत बड़ी दुर्घटना ही कहूँगा, ऐसी बहुत बड़ी एक सांस्कृतिक और सामाजिक दुर्घटना है जो निर्माता निर्देशकों के द्वारा देश की जनता के साथ की गई। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। ऐसी कई फिल्में जिन पर सेंसर बोर्ड ने रोक लगाई, लेकिन आज जिस तरह से सेंसर बोर्ड को एक चरणबद्ध तरीके से ऐसी जो भी पिक्चर है, ये फिल्में जो रिलीज होती है, उसका कई चरणों में इसका विश्लेषण करके और उसके बाद ऐसी फिल्मों के वितरण, ऐसी फिल्मों के रिलीज के बारे में तथ्यात्मक चीज़ें अपनानी चाहिए। ये मैं निवेदन सेंसर बोर्ड के जो बड़े पदों पे बैठे हैं लोग, उनसे मैं करता हूँ कि जब हमें देश में कैसे हमारे नीति निर्धारक जो पहले थे, बहुत बड़े बड़े जो अच्छे राजा हुए और विशेषकर सूरजमल जी जो न केवल हमारे समाज के बल्कि 36 कौम के और हिंदुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति के आदर्श हैं, जिन्होंने बहुत बड़ी लड़ाई लड़के और दिल्ली में मुगलों को परास्त करके और उन्होंने अजय योद्धा के रूप में जिनकी आज छवि पूरे भारत के नहीं पूरे विश्व के अंदर जानी जाती है, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन करूंगा ऐसे मामले में तुरंत संज्ञान लेके और जिन्होंने जो भी निर्माता निर्देशक है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो ताकि आइंदा ऐसी कभी घटना वापस इस देश में नहीं हो। जमाना, चाहे वो आप टीवी सीरियल्स की बात हो या फिल्म जो आजकल की फिल्में आ रही है उनकी बात हो, एक जमाना था जब रामायण महाभारत को देख के पूरा परिवार साथ बैठ कर देखता था। आज जो फिल्मों को देखते हैं, टीवी सीरियल्स को देखते हैं और इसके अलावा समाज में जो नशा प्रवृत्ति बढ़ने का भी एक बहुत बड़ा कारण है कि फिल्मों में नशे को ग्लोरीफाई करना करके और दर्शाया जाता है। तो यूथ जो है वो हीरो को अपना आइकन, अपना आदर्श मान के और उस नशे की प्रवृत्ति पर चल पड़ा। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से ये आग्रह करूंगा, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते भी और समाज का एक आम व्यक्ति होने के नाते भी, ऐसी फिल्मों में तुरंत प्रभाव से न केवल रोक लगाएं बल्कि इनके निर्माता निर्देशक जो हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाए और आइंदा किसी भी फिल्म को रिलीज होने से पहले उसकी कई चरणों में जाँच होनी चाहिए कि वो देश और समाज को किस दिशा में ले जाए।
तो नारायण बेनीवाल ने कहा है कि फिल्म पानीपत में महाराजा सूरजमल जी का अपमान किया गया है और भविष्य में ऐसी फिल्में ना बने। वीडियो अच्छा लगा तो इसे अभी से ही लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो लाल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगी बेल आइकन यानी घंटी का निशान है उसको भी दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे।